Now come to the part 3, French Revolution. As we have completed 2 parts before, in this category, in this PPT, we will discuss some new topics. These are that France abolishes monarchy and becomes a republic. We have 2 to 3 paragraphs in this, and after that we have the Reign of Terror, and after that we will conclude this part with a directory rules France. Means this part will be ended by the introduction of Napoleon Bonaparte. Now the next slide is about the France abolishes monarchy and becomes a republic. जैसा हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि फ्रांस के यहाँ से मोनार्की पूरी तरह से खत्म हो गई थी. मोनार्की खत्म मतलब राजतंत्र खत्म हो गया और फ्रांस बन गया था एक रिपब्लिक. मींस गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल ऑफ दैट नेशन. द सिचुएशन इन फ्रांस, अब फ्रांस के अंदर जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन पूरी तरह से कंटिन्यू हो रही थी और जो आगे आने वाले समय थे वो और ज्यादा खतरे वाले हो रहे थे. वैसे देखा जाए तो जो लुई 16 था उसने एक सीक्रेट नेगोशिएशन, एक सीक्रेट संधि पर उसने हस्ताक्षर किए, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन भी उसने साइन किया. किसके साथ मिलकर? प्रशिया के राजा के साथ मिलकर. अब इस बात की खबर सारे पड़ोसी जितने भी रूलर्स थे उनको पता चली और वो लोग भी बहुत ज्यादा वरीड हो गए कि फ्रांस के अंदर ये क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं. और इसके अलावा उन्होंने प्लान किया कि जितने भी ट्रूप्स हैं उनको वहां भेजा जाए या नहीं भेजा जाए. सिंस द समर 1789 पहले ये हो पाता. इसके हो पाने से पहले ही जो नेशनल असेंबली थी उसने वोट किया 1792 में और एक वॉर, एक युद्ध को डिक्लेयर कर दिया प्रशिया और ऑस्ट्रिया के. थाउजेंड्स ऑफ जो वहां पे सैनिक थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने आर्मी को ज्वाइन कर लिया अपने देश के लिए. उन्होंने देखा कि जो युद्ध था लोगों का वो असली में राजाओं और जितने बड़े एरिस्टोक्रेसीज थे पूरे के पूरे यूरोप में उनके खिलाफ था. एरिस्टोक्रेसी कौन से थे? जो बड़े वर्ग के लोग थे. अब इसके अलावा इसमें देशभक्ति के सॉन्ग भी गाए जाने लगे और जो देशभक्ति का सॉन्ग था वो मार्सलाई था, जिसको जिसका पोएट था रोजे डी लेस्ले. अब फ्रेंच में क्या होता है, अलग तरह से प्रोनंसिएशन इसका होता है. तो पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया और जब वो गाना पहली बार गाया गया सारे सैनिकों द्वारा और वो सारे के सारे मर्साइल से लेकर पेरिस की तरफ गए ये वाला सॉन्ग गाते हुए, तब से ही ये मर्सलाइज जो है नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का. तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हाउ द फ्रांस got its national anthem. Come to the next slide. अब इसमें देखते हैं कि जो भी क्रांतिकारी लोग थे, वो जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे उनको लॉसेस, हानियां और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी उनके सामने आ रही थी. अब जो वहां के पुरुष लोग थे वो फाइटिंग से, वेल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट. जैसे ही जितने भी आदमी लोग थे वो तो सेना में भर्ती हो रहे थे, लेकिन जितनी भी उनकी औरतें थी वो सारी की सारी औरतें घर का काम करती या फिर वो जीवन जीने के लिए कोई ना कोई अर्निंग करती, अपनी फैमिलीज के की देखभाल करती. इसके अलावा जितने भी जनसंख्या थी उसका जो सबसे लार्ज सेक्शन था वो रेवोल्यूशन का, वो क्रांति का सबसे बड़ा देखने वाला था.
और ये क्रांति और भी आगे चलने वाली जैसी लग रही थी। अब एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इनका संविधान बना, उसमें क्या हुआ कि पॉलिटिकल जो राइट्स थे सारे के सारे वो असली में किसके पास पहुंचे, जितने में अमीर लोग थे उनके पास पहुंच गए। इसमें भी गरीब लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल पाया, सारे के सारे अमीर लोगों को मिल गया। अब इसमें भी क्या हुआ, जो पॉलिटिकल क्लब्स थे छोटे छोटे क्लब, उन्होंने क्या किया, अपने रैली करनी शुरू की कि हम जो भी लोग हैं जो इस गवर्नमेंट के बारे में उसकी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं हम उनके साथ बातचीत करेंगे और प्लान्स बनाएंगे। और इसमें हुआ क्या, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्लब बना इट वॉज द जैकोबिन क्लब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब। और इसका नाम जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा जैकोबिन, सेंट जैकब पेरिस में थे उनके नाम पर ये पड़ा। इसके अंदर औरतें भी थी जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट किया पूरे के पूरे पीरियड में, और उन्होंने भी अपने क्लब्स बनाए। कहने का मतलब है जैकोबिन क्लब्स के अंदर सबको ही आजादी दी गई कि अगर वो सरकार के खिलाफ कुछ अपना बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं। अब इसमें है कि जैकोबिन क्लब्स के बारे में क्या क्या चीजें पता थी सबको। अब जैकोबिन क्लब्स जो हैं वो उसमें क्या क्या इनके फंडामेंटल्स थे, क्या क्या इन लोगों ने अपने इसके अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए, वो सब चीजें हैं। अब जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो मेनली बिलोंग करते थे बहुत ही कम प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस नहीं है वो, यानी कि गरीब लोग। उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, उसके अंदर थे छोटे छोटे दुकानदार, कारीगर, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, माचिस बनाने वाले, प्रिंटर्स, यहाँ तक कि सर्वेंट्स और जो डेली वेज को जिसको हम दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं वो इसमें शामिल थे। कहने का मतलब है इसमें कोई भी बड़ा इंसान शामिल नहीं था। उनके जो लीडर थे उनके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, दिस इज द इंपॉर्टेंट नेम जैकोबिन क्लब का जो हेड था। अब इसमें क्या हुआ, जितने भी लार्ज ग्रुप थे इसके अंदर जैकोबिन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे और अपने कपड़ों से वो पहचान बनाएंगे। उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स, जो उनके पैंट थे उनके लंबी लंबी उसमें धारियां बनी होंगी और वो इस तरह की धारियां होंगी जैसे डॉक वर्कर्स पहनते हैं, यानी कि जो समुद्री जहाज के वहां पर जितने लोग जाते हैं वो पहनते हैं, उस तरह का इनका पहनावा हो गया ताकि बाकी लोगों से अपने आप को अलग कर सके। अब ये क्या था, ये जितना भी फैशनेबल सेक्शन था सोसाइटी का उससे हटकर ये लोग अपना पूरा का पूरा नई ड्रेस इन्होंने बनाई, खास करके किन से अलग होना चाहते थे, जितने भी नोबल्स थे। और नोबल्स क्या पहना करते थे, अपने घुटनों तक की जो ब्रीचेस पहना करते थे, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में भी क्या होता है कि पैंट जो है वो ऊपर से काफी चौड़ी होती है और नीचे से एकदम पतली सी होती है, तो दैट इज नोन एज ब्रीचेस। तो इससे अलग होना चाहते थे रॉबेस्पियर और जैकोबिन क्लब के लोग। ये एक वो था जिसकी वजह से वो ये बताना चाहते थे कि जो एंड ऑफ जो पावर है वो एंड हो जाएगी जितने भी अभी चल रही है, और वो नी ब्रीचेस से अलग दिखेंगे। नी ब्रीचेस मतलब घुटनों तक की। दीज जैकोबिन्स, अब इन जैकोबिन्स को बाद में बोला गया सैनक्यूलॉ। अब इसका मतलब होता है विदाउट नी ब्रीचेस, जो ब्रीचेस नहीं पहनते घुटनों तक की उसके अलावा। अब सैनक्यूलॉ जो आदमी थे वो रेड कैप भी पहनते थे जो बताती थी लिबर्टी के बारे में, आजादी के बारे में। यहां पर औरतों को इस तरह का कोई भी फैशन करना अलाउड नहीं था। अब समर 1792 में जैकोबिन ने ये प्लान किया कि वो क्या करेगा, जितने भी पारसियंस हैं वहां पर पेरिस के लोग हैं, जितने भी पारसियंस हैं जिनको इस चीज का डर लग रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस हैं फूड के, शॉर्ट सप्लाइजेस हैं, तो वो उनसे गुस्सा हो रहे हैं, तो उसमें आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको एज अ एक कॉज लिया जाए, एक ऑब्जेक्टिव लिया जाए। तो इसके लिए क्या किया कि 10
अगस्त 10 को मॉर्निंग में पैलेस के अंदर बहुत ज्यादा कांड हुआ, जिसमें राजा गार्ड और उनके जो भी उनके जो गार्ड से उनको भी कई घंटों तक के लिए बंधक बनाया गया। बाद में क्या हुआ, असेंबली ने वोट किया और रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया गया। इलेक्शंस हुए, इलेक्शन होने के बाद जितने भी आदमी थे उनको 21 इयर्स होने पर वोट देने का अधिकार मिला और उनको वेल्थ मिली और साथ में वोट देने का अधिकार मिला। पहले 25 इयर्स था, लेकिन रॉबेस्पियर की अध्यक्षता के अंदर 21 इयर्स और उससे बड़े जितने भी लोग थे उनको, ये आदमियों को अधिकार मिला वोट देने का। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स थे, न्यूली इलेक्टेड जो मेंबर्स थे असेंबली के अंदर, उनको कन्वेंशन बोला गया और 21 सितंबर 1792 को इसको अबॉलिश हो गया पूरी तरह से, मोनार्की, राजतंत्र पूरा खत्म हो गया और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है जहां पर जनता अपनी सरकार चुनती है, और जैसा आपको पता है कि रिपब्लिक कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहां पीपल इलेक्ट करती है गवर्नमेंट को और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को भी पीपल ही इलेक्ट करती है, वहां पर कोई भी वंशानुगत मोनार्की नहीं होती। तो लुई 16 को कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुना दी बहुत बड़े ट्रायल के बाद, और 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी दे दी गई पब्लिकली सबके सामने। कौन से प्लेस के सामने? डी लार्ज के सामने उसको फांसी दे दी गई। और क्वीन मैरी एंटोनी को भी सेम इसी तरह से समय के बाद, यानी कि यहाँ पर किंग लुईस 16 का पूरी तरह से अंत बिना किसी के चलाता गया। उसको सपोर्टर भी मिले, लेकिन सब लोग यही चाहते थे कि वो एक मॉडरेट वाली चीज को शुरू करे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794। बाद में जब सबने देखा कि ये भी पूरी अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो कोर्ट ने इसको भी अरेस्ट किया और नेक्स्ट डे उसको भी गुलेटाइन कर दिया। जैसे इसने दूसरों को मारा था, इसको भी इसी तरह से गुलेटाइन के जरिए मार दिया गया। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब फ्रांस का मतलब है कोई भी देश को कौन रूल कर रहा है, कौन से डायरेक्टर प्रिंसिपल से जिसको रूल कर रहे हैं। तो ऐसे ही फ्रांस में कैसे रूल शुरू हुआ ना? जैकोबिन गवर्नमेंट जब गिर गई, तब अलाउ हुआ वेल्दियर मिडिल क्लासेस को कि उनकी जो पावर है सीज कर दी जाए, बंद कर दी जाए, उस पर ताला लगा दिया जाए। नया कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जिसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि जो वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी था, कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको ये वोट देने का अधिकार नहीं था। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, इसमें दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। उसके बाद में एक डायरेक्टरी अपॉइंट की गई जिसमें एग्जीक्यूटिव के 5 मेंबर शामिल हुए। अब इसका मतलब यह है कि जो भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक आदमी के हाथ में थी, एज जैकोबिन्स के हाथ में थी, अब वो इसमें सब में डिवाइड हो जाएगी। फिर भी जितने भी डायरेक्टर्स थे उनके आपस में मतभेद होते रहते थे, असेंबली में, काउंसिल्स में, सब जगह। और बाद में इसको डिसमिस कर दिया, मतलब कोई भी अगर किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता था तो इसी चीजों को डिसमिस कर दिया जाता था, जिस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, वहां पर स्थायित्व नहीं रहा डायरेक्टरी के अंदर, जिसकी वजह से ऐसा होता ही है जहां पर भी आपस में किसी भी असेंबली के अंदर या किसी भी आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अगर आपस में बातचीत नहीं बनती है, किसी एक समान मुद्दे पर नहीं पहुंचते हैं, समान रिजल्ट पर नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी जो बाहर का इंसान होता है, जो थर्ड पार्टी होती है, वहां पर रूल कर लेती है। तो ऐसे यहाँ पर हुआ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई
और इनको ये कीमत चुकानी पड़ी कि एक नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री डिक्टेटर था, ये सारी की सारी चीजें देखते हुए इसने इसके ऊपर कब्जा जमा लिया। अब जितने भी ये चेंजेस हुए थे गवर्नमेंट के अंदर और जितने भी आइडियल्स थे फ्रीडम के, इक्वालिटी के, कौन सी इक्वालिटी, कानून के सामने इक्वालिटी के, भाईचारे के सारे लोगों में, लेकिन ये जज्बे मौजूद रहे, ये सारे के सारे जज्बे तब भी मौजूद रहे, आइडियल्स जितने भी थे, और लोगों को पूरे के पूरे आगे पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए भी इन लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहा फ्रांस के अंदर एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग फॉलोइंग सेंचुरी। और फ्रांस को देखकर बाकी जितनी भी कंट्रीज थी उनको भी मोटिवेशन मिला फ्रांस को देखकर आगे आने वाली कई सेंचुरीज तक। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 3 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। वी विल हैव द पीपीटी ऑन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर लेटर ऑन। थैंक यू।